आज हम बनाएंगे कच्चे आम, जिसे कहते हैं केरी, केरी की चटनी। इसमें मैंने केरी ली है, एक केरी ली है, पुदीना लिया है, हरी मिर्च ली है और थोड़ा सा ज़ीरा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और अब इसको हम इस तरीके से बंद करेंगे और यहाँ से हम इसको इसको उठाकर देखना है। नहीं, अभी भी इसको टाइम की ज़रूरत है। ये इमली की चटनी है, बड़ी टेस्टी है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, आप देखें, दही, और थोड़ा सा दही हमें रख देना है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा दही डाला और आपने थोड़ा सा दही रख देना है। ये हो गई तैयार। अब इसे हमने इसमें डाला और यहाँ आपको इसके भी थिकनेस दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही जल्दी इमली की, यानी इमली अगर आप डालें या फिर आप जो कैरी है, ठीक है, कच्चे आम जो होते हैं, कैरी जिसे कहते हैं, उसे आप डालकर, और ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त, यानी अब जब आप इसे फ्रीज़र में रखेंगे तो इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट है, क्योंकि मैं तो पकौड़ों के लिए निकाल रही थी, मैंने कहा आप लोगों से रेसिपी शेयर कर दूं। बहुत ही क्विक, विद इन 2 या 3 मिनट्स के अंदर, आई थिंक मुझे आपसे भी बनाते हुए 2 मिनट 3 मिनट हुए, और ये चटनी जो तैयार हो गई है, कैरी की चटनी, जिसमें कैरी, हरी मिर्च, ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है और उसके बाद ये दही डालकर मैंने इसको तैयार कर दिया है। आप भी बना सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू।